यह देश है वीर जवानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। चारों तरफ देखेंगे तो हम लोग संगम पहुंच गए और संगम के बीच आप देखे बीचों बीच हम लोग खड़े हैं और इस जवान को देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम क्या होता है कि हाथ में हमारे बंदूक होगा, जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में बम गोला होगा तभी देश की सेवा कर पाएंगे। इस जवान को देख सकते हैं एक कम से कम इनकी जर्नी क्या है और क्या चाहते हैं कि जो तिरंगा आज भी अपने हाथों में लेकर चलते रहते हैं, क्या इनकी यात्रा है, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैंने वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत करी है जो 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू करी गई है। ये पर्यावरण बचाव को लेकर किया जा रहा है जिसमें मैं 21 राज्यों की यात्रा करने वाला हूँ, जिसमें यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 21 राज्यों में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से पर्यावरण को बर्बाद करते रहे तो आने वाला 2050 तक जो जिंदगी है वो सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने उत्तराखंड में कहीं ना कहीं क्राइसिस देखी है, जोशी मठ के लोगों की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगाई गई। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे प्राकृतिक आपदाओं से बहुत कुछ झेलने वाले हैं, उसको बचाने के लिए मैं 21 राज्यों में जा रहा हूं जिसमें 11,000 वृक्षारोपण करने वाला हूं। और दूसरा, भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उसको लेके मैं लड़ रहा हूं, जिसकी वजह से क्योंकि भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन आया जाए जिससे इंडिपेंडेंसी क्रिएट की जा सके, और इंडिपेंडेंसी इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन आएगा, उसको लेकर मैं 21 राज्य की यात्रा कर रहा हूँ। अब तक कितने राज्य घूम चुके हैं? मैं यूपी का राज्य मैंने कवर किया, फिलहाल 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने के बाद पैदल मैं आज प्रयागराज पहुंचा हूं। प्रयागराज पहुंचने के बाद मैं पहुंचा मथुरा से मैं प्रयागराज से काशी और फिर बिहार निकल जाऊंगा। बिहार में वहां के मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं और हर जिले के डीएम से मिलते हुए मैं निकलता हूं। अच्छा, डीएम से और मुख्यमंत्री से मिलने का उद्देश्य क्या आपका? ये है कि डीएम का जो मेरा मिलने का उद्देश्य होता है क्योंकि जिले का अपना बोला जाता है कि मुखिया होता है, तो उसके द्वारा संबोधित करना, उनके द्वारा उनके शब्दावली में कहीं ना कहीं उस जिले के लोगों को बताया जाना कि सबसे जरूरी अगर आपको कुछ बचाना है तो पर्यावरण बचाना है, क्योंकि 5 मिनट भी अगर आपको जिंदगी सर्वाइव करनी है अच्छे से तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तीनों चीज मिल गई आप जीवित रहेंगे तो जो चौथी चीज चाहिए होगी आपको सही एजुकेशन चाहिए होगी, नहीं तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, ना कुछ पूछ पाएंगे ना कुछ बता पाएंगे। तो चौथी चीज भी बहुत जरूरी है क्योंकि युवाओं आज जो हमारा युवा है वो सिर्फ 2 चीज के पीछे भाग रहा है, टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के, रील्स के ऊपर वीडियो बना के, हमारा कुछ नैतिक धर्म है। अगर वो नाच पा रहे हैं वो इसलिए नाच पा रहे हैं क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में है, कल कोई आएगा गुलाम करके हमें फिर से जाएगा और हमें लाठी मार के नचवाएगा उस टाइम नाचने का मन नहीं करेगा। जिस टाइम देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के को लेकर समर्पित होने का काम है उस टाइम हम कहीं ना कहीं आज टिकटॉक के ऊपर, रील्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। वहां से निकल के हम जैसे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें एक साथ होकर कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेरी अपील है, इस टाइम जोशी मठ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत हो चुकी है, पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, उनको वहां की उन परिस्थितियों से निकाल कर लाना चाहिए, ऐसी जगहों पर उनको बसाना चाहिए, क्योंकि जो पहला राष्ट्र धर्म है हमारा है वो किसी न किसी की सेवा करना है, उसको लेके कहीं ना कहीं मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सब साथ में आइए और मिलकर उन लोगों को बचाते हैं। पांडे जी अकेले निकले हुए हैं, अकेले निकलने वाला ही इतिहास रचा है। सर मैं इतिहास फिलहाल तो रचने के लिए इतना दूर तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये कि राष्ट्र निर्माण को लेकर जो भी मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन पर्सन मैं भारत का यूथ हूँ और हमारे पूर्वज ने हमें बहुत कुछ दिया, संस्कृति दी, सम्मान दिया, समर्पण दिया, आज उनसे सीख कर आज जो इस संसार को मैं दे सकता हूँ। पांडे जी अगर देखा जाए शिक्षा दीक्षा आपकी क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी कंप्लीट हुई थी 2016 में, उसके बाद 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। मेरा 11 लाख रुपए का एलपीए था, 90,000 रुपए मेरी सैलरी थी, उसको मैंने रिजाइन कर दिया 2 महीने पहले और अभी कम्प्लीटली मैं राष्ट्र निर्माण को लेकर काम कर रहा हूँ। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, सैल्यूट है कि आप जैसे लोग मतलब पर्यावरण को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर जिस तरह से आप चिंतित हैं, आज आने वाले इस समय आपके उम्र के जो अगर देखा जाए जो इस समय अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत काफी समझते हैं ना जी, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस YouTube पे वीडियो बनाना या फिर तरह तरह की जितना गलत काम है उसको करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप इस तरह से उनको क्या संदेश देंगे? यही बोलूंगा कि सबसे पहले
शिक्षित बनिए, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अच्छी चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप गलत और सही की पहचान करना शुरू कर देंगे, वहां से आप में डिसीजन मेकिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डिसीजन मेकिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, अपने जिले को, अपने राज्य को बचाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे अपने आप से। जरूरी नहीं है कि पदयात्रा ही करिए, राष्ट्र निर्माण से पदयात्रा करने से ही नहीं की जा सकती, आप भी राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मैं पदयात्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी आवाज को उठाने का सिर्फ एक जरिया मेरे पास में था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ के बच्चों को सिर्फ कोई सुन नहीं सकता था। तो मेरे पास एक आता था 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करिए आप, जब पदयात्रा करेंगे तो लोग आपसे मिलेंगे, जानेंगे, आपके ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे, और शायद मैं अपनी आवाज को उन तक पहुंचा पाऊंगा जो मुझे दिल से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक भावना राष्ट्र को लेकर मैं दे पाऊंगा, और कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेकर समर्पित हो पाएंगे और राष्ट्र को लेकर कुछ काम कर पाएंगे। तो उसको लेकर मैं काम करना शुरू किया। सैल्यूट है आपको, और इनसे आपको सीखना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति इनके देख रहे हैं कितना दिल में लगन है, कि झंडा को लेकर कितना पांव में छाला भी पड़ जाता होगा, तभी पांव में छाला नहीं पड़ जाता है, पड़ा है अभी फिलहाल, अभी भी पैर में छाले पड़े हैं मेरे, लेकिन खैर वो दर्द नहीं होता, क्योंकि जब राष्ट्र का दर्द आपके सीने में भर जाता है तो जो छोटे मोटे शारीरिक आपदाएं आती हैं और जो शारीरिक दर्द पेन होता है ना, ये शाम को सोने के बाद, सुबह उठने के बाद अपने आप से सही हो जाता है, क्योंकि सुबह आपको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, ऐसे युवाओं के लिए काम करना जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, इनके भविष्य के लिए काम करना है, इनको बचाए रखने के लिए, इनके क्वालिफिकेशन के लिए, इनके एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे दर्द जो है वो अपने आप से सिमट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे दर्द हैं जो कहीं ना कहीं इनके चेहरे के पीछे हैं, उनको लेके मैं लड़ा। अच्छा लगा जिस तरह से आप राष्ट्र, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम लोग आवाज उठाएंगे भारत माता के लिए और राष्ट्र के लिए। किसी ने कहा कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। आप तीनों काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके मैं आपसे बड़ा इंस्पायर होता हूं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ बोला जाने वाला जो हमारा ये मीडिया है, अगर ये नहीं होगा तो शायद मैं कहीं अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब हैं तब सही कहीं ना कहीं आज दिनों में खत्म कर लेंगे लगता है। ये 1.5 साल लग जाएगा सर, 1.5 साल लग, 1.5 साल पूरा 2024 में मैं वापस आऊंगा। 10,000 होगा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10,000 तो मेरा खैर संकल्प है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा अगर मुझे करना पड़ेगा और अगर मुझे लगता है कि जरूरत उसकी ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी करता रहूंगा मैं। जी जी, चलिए बड़ा अच्छा लगा और शुभकामनाएं हमारी, धन्यवाद, पूरे अपने भविष्य, लोग कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य है, इनसे सीखिए कि हमें करना क्या है। मोबाइल हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, हमारे संस्कार खत्म कर दे रहे हैं। मोबाइल चलाइए लेकिन संस्कार को भी ध्यान, बिल्कुल बिल्कुल, आप मोबाइल चलाइए लेकिन मोबाइल को आप चलाइए। आज मोबाइल आपको चला रहा, पैसा नहीं इस चीज की, बिल्कुल, तो मोबाइल आप चलाइए, अच्छी चीज है, क्योंकि मोबाइल चला के बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं, लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आज यहाँ से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे खड़े होकर हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ, तो उसका साधन कहीं ना कहीं मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन को आप चलाइए। पैसा नहीं है कि आज आपको मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, इस वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, आपने समय, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि ऐसे लोगों से आप लोग सीख लीजिए और राष्ट्र के प्रति अपनी जान को लोग देखिए जोखिम में डाल के चल रहे हैं, हमें भी एक कदम चलना चाहिए आपके साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।